उन्होंने अपनी भूषा बनाई है, पैंट है, शर्ट है, कोट है, क्योंकि उनका वातावरण ठंडा है। मैंने आपको बोला ना, बहुत ठंडा वातावरण, इसलिए उनको पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, शर्ट के ऊपर टाई चाहिए, टाई के ऊपर कोट चाहिए, कोट के ऊपर ओवरकोट चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत है, हमको नहीं चाहिए ये सब। अब हम भरी जून की गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में टाई कोट लगा के घूमें और घोड़े पर चढ़कर शादी करवाने जाएं, तो हमसे बड़ा सुपर इडियट कौन? और शादी जिस पत्नी से करें वो साड़ी में, और हम थ्री पीस सूट और टाई में। हमारे यहां बोलते हैं पति पत्नी दो पहिए हैं गृहस्थी की गाड़ी के, एक पहिया ट्रैक्टर, दूसरा साइकिल, कैसे चलेगी गृहस्थी? या तो पत्नी को भी बोलो कि स्कर्ट में आए तो आपका थ्री पीस सूट और टाई जमेगा, क्योंकि यूरोप में पत्नी स्कर्ट पहनती है तो पति थ्री पीस सूट और टाई पहनता है। यहां अगर पत्नी साड़ी पहन रही है तो आपको तो धोती कुर्ता वही ठीक है। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि भाषा के स्तर पर, भूषा के स्तर पर, भोजन के स्तर पर, भजन के स्तर पर और भेषज के स्तर पर ये यूरोप की नकल मत करिए, और अगर करनी ही है तो पूरी करिए, अधूरी मत करिए। या तो पूरे यूरोपीय हो जाइए, अंग्रेज हो जाइए, और नहीं तो भारतीय हो जाइए, बीच में मत रहिए, खिचड़ी की तरह से त्रिशंकु मत बनिए।